है जहां अपने द्विवार्षिक निरीक्षण पर सीआरपीएफ के आईजी अमेठी पहुंचे। वहीं दिल्ली के हेडक्वार्टर के आईजी राकेश यादव अमेठी के त्रिसुंडी स्थित रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नव आरक्षियों को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ द्वारा किए गए विशेष कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी दी। नव आरक्षियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद वे क्वार्टर गार्ड रूम का और हथियारों के रखरखाव और मेस सहित अन्य जगहों का निरीक्षण भी किया। आईजी ने सभी खिलाड़ियों का परिचय करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। दो आवास का फीता काट कर शुभारंभ किया। परिसर में बन रहे आवास को बनाने वाली संस्था को दिशा निर्देश भी किया। मैं एज ए आईजी ट्रेनिंग एनुअल इंस्पेक्शन के तौर पे यहाँ आया हुआ हूँ। हम सेंट्रल लेवल पे जितने भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी दो साल में एक बार इंस्पेक्शन करते हैं ताकि उनमें बेहतर और बेहतरी लाई जा सके। उसमें सीआरपीएफ का ये कंटिन्यूस प्रयास रहता है कि हमारे रिक्रूट्स जहाँ भी पासिंग आउट के बाद डिप्लॉयड होते हैं देश को अपनी बेहतर सेवाएँ दें। और आप सब इस बात को महसूस भी कर सकते हैं कि सीआरपीएफ ने जहाँ जहाँ अपने कदम रखे वहाँ अमन चैन की स्थापना में उन्होंने अपना बहुत ही शानदार सहयोग दिया।